नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं एपीएन। रुक करते हैं एपीएन सुपर फास्ट का। बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। सूत्रों से मिली खबर है कि आज बीजेपी पंजाब और गोवा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है और मकर संक्रांति के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। टिकट आवंटन का काम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समिति के सदस्य हैं। पंजाब और गोवा में एक चरण में 4 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में इन दो राज्यों के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है। गोवा बीजेपी ने 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बिना इसे फाइनल नहीं माना जा सकता। पंजाब और गोवा में नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। मोदी सरकार की नीतियों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने आंदोलन कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। कांग्रेस की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नोटबंदी के बाद आम लोगों की तकलीफों को उजागर करेगी और इस बाबत भविष्य के आंदोलन की योजनाओं के बारे में बताएगी। कांग्रेस का मकसद जनता के बीच मोदी सरकार की उन नीतियों को लाना है, जिसकी वजह से कांग्रेस मानती है कि जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताजनगरी आगरा में परिवर्तन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नोटबंदी को लेकर विवादित बयान दे डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के दौरान देश के लोगों ने लाइन में लगकर परेशानी झेली है और देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यूपी सरकार और पिछली यूपीए की सरकारों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार से 20 लाख की नई करेंसी बरामद हुई। इसके साथ साथ बैंक मैनेजर सहित एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी बैंक मैनेजर और अपनी महिला बैंक कर्मचारी के साथ रकम को लेकर आगरा से इटावा जा रहा था। रामपुर में एक चातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया। अपराधी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस कैप्टन ने लापरवाह पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। मुंबई में 500 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस वाईफाई प्रोजेक्ट का पहला फेज है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ 500 जगहों पर फ्री वाईफाई की शुरुआत की गई है और आगामी 1 मई तक मुंबई में कुल 1200 जगहों पर वाईफाई और हॉटस्पॉट सेवा शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस का मुंबई महानगर पालिका के चुनावों से 1 महीने पहले इस सेवा को लोगों तक पहुंचाना एक तोहफा माना जा सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई को भारत का पहला वाईफाई शहर बनाने में महाराष्ट्र सरकार का ये पहला कदम है। मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत ये कदम बड़ी भूमिका निभाएगा। आज अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आखिरी बार अपने देश को लोगों को संबोधित किया। अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा ने कहा कि मिशेल और मुझे पिछले कुछ हफ्तों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। आज मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं, हर दिन मैंने आपसे सीखा। आप लोगों ने मुझे बेहतर राष्ट्रपति और इंसान बनाया। बता दें कि ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इस दिन ट्रंप नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। लोगों ने ओबामा से कहा 4 साल और, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी अब पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बर्फबारी के वजह से कई रास्ते अभी भी बंद पड़े हैं और इसकी वजह से कई जगहों पर पर्यटक फंस रहे हैं।